इतना तगड़ा प्रेशर मार रहा है। अगर आप ये चीज़ बना ले रहे हैं तो आपके पास दो दोपहिया हो या चारपहिया हो या साइकिल या मोटरसाइकिल आकार हो तो कोई भी चीज़ को आप आसानी से वॉश कर सकते हैं। तो ये है, तो ये 125 ml का CC है। तो आपको अगर बड़ा सा गाड़ी धोना है तो आप कम से कम 2 लीटर और 2.5 लीटर का जो बड़ा वाला पेप्सी डब्बा आता है वो ले लीजिएगा। हम इसमें आपको सिर्फ करके दिखा रहे हैं किस तरह से आपको करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपको एक बोतल का गर्ज पड़ेगा और बोतल में यहाँ पर छेद करना पड़ेगा, जो आप तिल्ली भी गर्मा के कर सकते हैं। यहाँ पर छेद कर लीजिएगा और इसमें जो है 2 छुच्छी लगेगा, जो आप कोई भी पुराना ट्यूब का छुच्छी काट के लगा सकते हैं। तो पहला नंबर जो छुच्छी है ये लगेगा। यहाँ पर देखिए हमने कुछ इसमें वाशर लगा के रखा है जो इसका ट्यूब में आता है, तो उसको हमने काट के यहाँ पर लगा लिया है। अब चलिए इसको अंदर आकर कसते हैं, दिखाते हैं किस प्रकार से अंदर जाएगा। तो उसके लिए आपको चाहिए कच्चा तार, जो सेल्टिंग उल्टिंग में तार लगता है वाला। तो इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको पूरा नहीं मोड़ेंगे क्योंकि जब खींचते टाइम ये तार बाहर आ जाए, इसमें ना रहे, इसके वजह से हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे इसको खींच लेना थोड़ा सा, देखिए निकल गया, और इसके वजह से इसका तार को खींच लेना बाहर, और इसके बाद से एक यहाँ पे वाशर लगा देना है। इस प्रकार से इस पर वाशर लग जाएगा। देखिए अभी वाशर लग गया। अभी इसमें हम थोड़ा सा लोहा वाला जो है वाशर लगता है यहाँ पे लगा लेंगे, ताकि इसको प्रेशर जो है दाब के रखे। और उसके बाद से इसमें हम एक नट लगा लेंगे। अभी इसको प्लास से मदद से कस लेंगे, ताकि जो भी इसका प्रेशर आएगा यहाँ पे रोक लेगा। अगर ये लीक करेगा तो प्रेशर काम नहीं करेगा इस पर। तो हम इसको प्लास की मदद से जो है कस लेंगे थोड़ा सा। चलिए अभी यहाँ पे हमने इसका बोल्ट जो है टाइट कर लिया है। अभी इस साइड को एक ढक्कन का गर्ज पड़ेगा जो इसमें लगता है। तो किसी इस प्रकार से देखिए इसमें होल कर लिए हम, इस प्रकार से तिल्ली गर्मा के आप होल थोड़ा सा कर लीजिएगा। और उसके बाद से एक ठो लगेगा आपका मोटरसाइकिल का छुच्छी, और लेकिन आप चाहें तो दोनों साइकिल का लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ट्यूब लगा होना चाहिए थोड़ा सा, देखिए अभी जो यहाँ पे लगा है इसमें डालेंगे हम। अभी लग गया इसमें, चलिए इसके ऊपर जो ट्यूब थोड़ा सा लगा के और नट कस लेंगे, उसी प्रकार से इसका ट्यूब आ जाएगा। आप भी इसी साइज़ का बनाइएगा। अभी लगाएंगे एक, हमने इसमें वाशर लगाएंगे यहाँ पे, और इसका जो नट रहता है ये छोटा वाला नट, इसको लगाएंगे यहाँ पे। चलिए इसको आप अच्छे तरीके से टाइट कर लीजिए, ताकि जितना भी इसका प्रेशर जो इसमें भराएगा वो बाहर नहीं निकलेगा। इसको टाइट कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। चलिए इसको हम टाइट कर लेते हैं। तब नहीं इसका यहाँ पर जो नट लगता है इसको टाइट कर लिया है। अभी आ जाएगा इस साइकिल जो छुच्छी रहता है भाल पिन, वो है यहाँ पर लगा लेंगे हम इसको। अभी लग गया, अभी इसका जो नट लगता है उसको लगा लेंगे, इसको लगा लेंगे यहाँ पर। अभी इसको हम कस लेंगे। चलिए इसको हमने टाइट कर लिया है। अभी इसका जो ढक्कन रहता है यहाँ पे हम कस लेंगे। अभी ये कसा गया, देखिए इसमें 2 सामान लगता है। एक इसका जो पेट्रोल पाइप लगता है, कोई भी आप पाइप ले सकते हैं। अगर आप कार धोना चाहते हैं या कुछ बड़ा चीज़ धोना चाहते हैं तो सिर्फ आपको पाइप लगाना है, लेकिन अगर चाहते हैं आप बाइक और साइकिल धोने के लिए तो एक आपको जो 3 रुपये हम जो लिको फिको कलम आता है वो लेना पड़ेगा। लिको फिको आप कलम लेके यहाँ पर लगा लीजिएगा, यहाँ पर इसमें लग जाएगा। और इसका जो है ये वाला होल इसमें लगा लेना है। देखिए अभी ये तैयार हो गया है।
अब चलिए बताते हैं इसमें प्रेशर कैसे भरना है आपको और इसमें पानी कैसे रखना है। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा चीज़ धोने के लिए तो इसमें 2.5 लीटर वाला बोतल लीजिएगा, और छोटा चीज़ चाहते हैं धोने के लिए तो ये वाला बोतल काफ़ी है। तो चलिए अब इसमें हम प्रेशर भरते हैं और आपको इसको मार के दिखाते हैं किस प्रकार से आपको मारना है, क्योंकि प्रेशर इसका बहुत तगड़ा है। आप मशीन चलाइएगा उससे भी ज़्यादा इसमें प्रेशर है, तो बताएंगे किस तरह से इसको कंट्रोल करके रखना है और किस तरह से चलाना है। चलिए सबसे पहले इसमें हम पानी भरते हैं, हवा भरते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको चलाना है। चलिए अभी इसमें हम पानी भरते हैं, प्रेशर भरते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से काम करता है। जितना इसमें पानी रहेगा जब तक पानी उड़ा ना जाए तब तक चलेगा, जी पूरा जब पानी उड़ा जाएगा तभी रुकेगा, लेकिन जब आप एक बाल्टी पानी इसमें भर दीजिएगा तो एक बाल्टी उड़ाने के बाद ही बंद होगा ये। तो चलिए इसमें हम भरते हैं पानी। इतना गैप हम छोड़ दे रहे हैं जो इसका प्रेशर रहता है, जो इसमें प्रेशर भरेगा उस, तो जब आप इसको छोड़ेंगे भर के पानी तो गिरने लगेगा, लेकिन वही जब आप इसका ढक्कन कस देंगे, ये वाला जो ढक्कन इसको कस देंगे यहाँ पे, देखिए हम कस लेते हैं इसको, देखिए अभी ये नहीं गिरेगा, देखिए अभी इसमें जितना पाइप इसमें था पानी उतना ही गिरेगा, उसके बावजूद ये नहीं गिरेगा, जब इसको हम प्रेशर देंगे तब गिरेगा। अब चलिए इसमें प्रेशर भरते हैं, प्रेशर इसमें हम भरेंगे पंप के द्वारा। छुच्ची है इसको दाब लेना है यहाँ पे और इसके बाद से इसमें पंप करना है। चलिए अभी हमने इसमें प्रेशर भर लिया, अभी इसको मार के दिखाते हैं ये काम कैसे करता है, तो अभी ट्राई करेंगे। देखिए जब तक इसमें पानी रहेगा तब तक ये काम करेगा। तो हो गया साइकिल वाइकिल धोने वाला, आप चलिए बताते हैं बड़ा गाड़ी आप कैसे धो सकते हैं, इसको हम निकाल के दिखाएंगे। देखिए ये है बड़ा गाड़ी धोने वाला प्रेशर, देखिए कितना।